फर्स्ट इंडिया न्यूज ब्रेक में आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयति मिश्रा। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर से बड़ी खबर है। श्री विजयनगर में डीएपी के लिए मचा हाहाकार। किसान सेवा सहकारी समिति के गेट पर उमड़ी किसानों की भीड़। गेहूं और सरसों के बीजान के लिए किसानों को डीएपी की काफी आवश्यकता है और डीएपी नहीं मिलने की वजह से आक्रोशित किसानों ने श्री विजयनगर रायसीनगर मुख्य मार्ग को जाम भी किया है। ऐसे में किसानों ने डीएपी वितरण में गड़बड़ घोटाला करने का आरोप भी लगाया और सड़क जाम की सूचना पर तहसीलदार बाबूलाल वैगर ने मौके पर पहुंचकर प्रशासन और पुलिस फिलहाल किसानों से समझाइश में जुटी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में किया जा रहा है डीएपी खाद और पर्ची का वितरण, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। क्योंकि डीएपी नहीं मिलने की वजह से, अनुपलब्धता की वजह से लोग परेशान हैं, किसानों में आक्रोश है इस चीज के लिए, क्योंकि बीजान के लिए समय डीएपी की उन्हें आवश्यकता है और डीएपी नहीं मिलने की वजह से गेहूं और सरसों की बीजान में काफी समस्या का सामना ये किसान कर रहे हैं। ऐसे में श्री विजयनगर में डीएपी के लिए जिस तरह से हाहाकार मचता हुआ नजर आया और उसके बाद किसानों का जो सब्र का बांध है वो टूट गया। एक साथ पहुंचे और सड़क जाम वो करने लगे। तहसीलदार को बुलाया गया मौके पर। प्रशासन और पुलिस फिलहाल किसानों से समझाइश में जुटी है। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए श्री विजयनगर से सहयोगी कमल मिड्ढा हमारे साथ जुड़े हैं। कमल, गेहूं और सरसों इन दोनों ही बीजानों के लिए डीएपी की आवश्यकता को सभी समझते हैं, लेकिन अगर किसानों तक वही ना पहुंच पाए और फिर एक साथ सभी के सब्र का बांध टूट जाए तो फिर तस्वीरें कुछ ऐसी ही होती है। फिलहाल इलाके से किस तरह की स्थिति और कैसे व्यवस्थाओं को वापस से पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है प्रशासन की टीम? कमल जी, आपको ये जानकारी दे दें कि प्रशासन की ओर से जो है अल सुबह कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। शनिवार को जो है डीएपी का बड़ी मात्रा में जो डीएपी का स्टॉक है वो श्री विजयनगर पहुंच गया था और आज डीएपी वितरित की जानी थी। इसको लेकर अल सुबह से ही जो है बड़ी संख्या में किसान सेवा केंद्र पर पहुंच गए। किसानों की कतार लग गई। डीएपी सही तरीके से पर्ची वितरित नहीं होने से किसानों में एकाएक आक्रोश फैल गया। आक्रोशित किसानों ने मौके पर भीड़ जमा कर ली, जिसके पश्चात प्रशासन ने पर्ची वितरण का कार्य बंद कर दिया। कार्य बंद होने के बाद आक्रोशित किसान रायसिया नगर श्री विजयनगर मुख्य मार्ग पर पहुंच गए, जहां किसानों ने मुख्य सड़क को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने के बाद तहसीलदार बाबूलाल रेगर व पुलिस का जाप्ता मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने किसानों से समझाइश की है कि आप इस जाम को हटाएं, आपको व्यवस्था सुनिश्चित कर पर्ची दी जाएगी व डीएपी वितरित की जाएगी। अब प्रशासन की टीम जो है वो समझाइश का प्रयास कर रही है। बिल्कुल कमल, लेकिन समझाइश के प्रयासों के बाद में भी तस्वीरें उतनी संतोषजनक अब तक नजर नहीं आ रही है। क्या किसान इस आश्वासन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कमल? क्योंकि गुस्सा उनके हृदय में है इस चीज को लेकर, डीएपी जो कि एक आवश्यकता है खेतों में बीजान के लिए वो तक नहीं मिल पाना। अगर शुरुआत से देखे कमल इसे, तो प्रॉब्लम कहाँ से जनरेट होती हुई नजर आई? इतना कंफ्यूजन हुआ क्यों आखिर? सही में ये देखा जाए तो ये व्यवस्था जो है अल सुबह से ही बिगड़ गई। प्रशासन की ओर से सुबह के समय में कोई व्यवस्था नहीं की गई थी पर्ची वितरण और डीएपी वितरण के लिए, जबकि किसानों को ये सूचना थी कि डीएपी सुनिश्चित मात्रा में श्री विजयनगर पहुंच चुकी है। ऐसे में किसान अल सुबह से ही इकट्ठा होने लग गए। किसानों की यह मंशा थी कि हमें समय पर डीएपी मिले ताकि हम सरसों, गेहूं व अन्य फसलों का बीजान कर सकें, परंतु सुबह के समय में व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण अचानक किसानों की जो है भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद जो है कृषि अधिकारियों के समन्वय में ये नहीं रहा कि वह इस पर नियंत्रण कर सके। स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रयास किए। एक बार भगदड़ की स्थिति भी बनी, माहौल जो है बार बार खराब हुआ। इस सब के बाद तहसीलदार व प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। तहसीलदार बाबूलाल रेगर ने मौके पर पहुंचकर समझाइश की है किसानों से कि आप समय दें, व्यवस्था करके सभी किसानों को जो है डीएपी व पर्ची उपलब्ध करवाई जाएगी, परंतु किसानों में इस चीज का आक्रोश है कि वे अल सुबह से लगे हुए हैं। प्रशासन इस चीज की माकूल व्यवस्था नहीं कर सका कि किसानों को समय से पर्ची दी जा सके, सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से डीएपी उपलब्ध कराई जा सके, ताकि किसान एकाएक डीएपी लेकर अपने खेतों की ओर रवाना हो। व्यवस्था नहीं होने के कारण जो है किसानों में आक्रोश फैल गया और आक्रोशित किसानों ने जो है रायसिया नगर श्री विजयनगर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। किसानों की मांग है कि यदि समय पर हमें डीएपी खाद वह पानी बीज अन्य सामग्री नहीं मिलेगी तो फसल का बीजान व पकाव नहीं हो पाएगा। आक्रोशित किसानों ने कहा है कि यदि समय रहते व्यवस्था सही नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ठीक है कमल, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो भाई कोटा